आप लोग अगर लैपटॉप कंप्यूटर या फिर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप लोग को बेसिक सा वीडियो एडिटिंग आना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सारी चीज़ें इंटरनेट पे आ रही हैं और फ्यूचर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाला है, तो इसीलिए आप लोग को वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग ये सब वगैरह आनी चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो में आप लोग को बेसिक वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को बेसिक वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा। तो गाइज, होता यह है काफ़ी लोग वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं लेकिन वो लोग स्टार्टिंग में सही वीडियो एडिटर चूज नहीं कर पाते हैं, पिक नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन लोग को स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और वो लोग वीडियो एडिटिंग से घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि कितना हार्ड है वीडियो एडिटिंग। लेकिन गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, सब कुछ काफ़ी इजी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, कौन सा वीडियो एडिटर स्टार्टिंग में आप लोगों को यूज़ करना चाहिए और कब आप लोगों को एडवांस वीडियो एडिटर यूज़ करना चाहिए, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस तरह से कमाल के वीडियोज़ लाते रहता हूँ। तो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को स्टार्टिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, कौन सा वीडियो एडिटर यूज़ करना चाहिए। क्या आप लोगों को एडवांस वीडियो एडिटर यूज़ करना चाहिए स्टार्टिंग में? नहीं, आप लोग यहीं पे गलती करते हैं और आप लोग को स्टार्टिंग में एडवांस वीडियो एडिटर नहीं यूज़ करना चाहिए, आप लोग को बेसिक सा वीडियो एडिटर यूज़ करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि बेसिक सा वीडियो एडिटर कौन सा है? ऐसे सॉफ्टवेयर आप लोगों को काफ़ी सारे मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बताता हूँ। जैसे कि क्लिपचैम्प है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला है और वो स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए काफ़ी सही वीडियो एडिटर है, और ओपनशॉट भी है जिसके ऊपर मैं हो सकता है फ्यूचर में वीडियो लाऊं। तो आज मैं आप लोगों को क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर द्वारा वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को कहां से वो ऐप डाउनलोड करना है और कैसे आप लोगों को यूज़ करना है। सो इसको यूज़ करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये गाइस, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाएं और वहां पे सर्च करें गाइस क्लिपचैम्प। मेरा पहले सर्च किया हुआ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोग क्लिपचैम्प सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्लिपचैम्प वीडियो एडिटर मिल चुका है और यहाँ से आप लोगों को गेट का ऑप्शन शो होगा, इसको आप लोग गेट पे क्लिक कर दें। अगर आप लोग को पीसी में इंस्टॉल नहीं होगा तो गेट पे क्लिक करने के बाद ये आपका सिंपल सा डाउनलोड हो जाएगा। इसको यूज़ करने का एक और तरीका है गाइस, आप लोग अपने इंटरनेट पे जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट पे यूज़ करने के लिए आप लोग क्रोम ब्राउजर पे चले जाएं। मैं आप लोग को पहले ही बता दूंगा गाइस, ये ऑनलाइन वीडियो एडिटर है, इसको आप लोग को नेट द्वारा यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग clipchamp.com मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग ओपन कर ले और आप लोग यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट द्वारा। जैसे आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट से क्लिपचैम्प डाउनलोड हो जाता है और इसको आप लोग जैसे यहाँ से ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम अगर आप लोग ओपन करते हैं तो आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट द्वारा इसको लिंक करना पड़ेगा। तो आप लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में अकाउंट बना ले और इसके बाद इसको लॉगिन कर ले। तो लॉगिन करने के बाद गाइज आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोग को सबसे पहले इसके इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। तो स्टार्टिंग में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइज, यहाँ पे स्टार्ट विथ टेम्पलेट मिल जाते हैं और ये गाइज पहले से बने हुए बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग को इंट्रो कैसे बनाना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। बात करें सेकंड फीचर की, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग, इससे आप लोग रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं गाइस। तो ये फीचर भी काफ़ी सही लगा है मुझे इस वीडियो एडिटर का। तो हम लोग को एडिटिंग कैसे करना है, हम लोग के पास पहले से वीडियो है, ऑडियो है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग क्रिएट अ फोल्डर मिल जाएगा। जैसे आप लोग क्रिएट अ फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को फोल्डर नेम चूज कर ले, जैसे कुछ भी हो सकता है फोल्डर नेम। सो गाइस मैं अपना फोल्डर नेम लिख लेता हूँ यहाँ पे DHIRAJ धीरज और क्रिएट फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे धीरज नाम से मेरा फोल्डर बन चुका है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट अ वीडियो इन दिस फोल्डर, तो हम लोग यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये बूम, और ये हमारा वीडियो एडिटिंग का इंटरफेस आ चुका है। तो कुछ ऐसा होने वाला गाइस वीडियो एडिटिंग का हमारा इंटरफेस। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा मीडिया पूल मिल जाता है। मीडिया पूल मतलब यहाँ पे आप लोग का मीडियाज वगैरह रहेंगी। जैसे मीडिया बोलने का मतलब क्या है, मेरा मीडिया बोलने का मतलब है मेरा यहाँ पे आप लोग का वीडियो रहेगा, ऑडियो रहेगा, इमेजेस रहेंगे। बोल के नहीं समझाऊंगा, मैं आप लोग को एक अपना वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं अपना वीडियो ऐड कर सकता हूँ गाइस, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वीडियो पड़ा हुआ है जिसको हम लोग एडिट करना चाहते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे ला के रख सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे क्लिक द प्लस टू ऐड योर मीडिया, तो हाँ मुझे अपना वीडियो ऐड करना है। तो कहाँ से ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है गाइस ब्राउज फाइल्स, हाँ मुझे ब्राउज फाइल करना है। सो गाइस मैं अपना वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ, मेरा ये वीडियो आ चुका है। तो ये वीडियो को मैं एडिट करने वाला हूँ। तो और मैं एक काम करता हूँ, मैं इमेजेस को अगर ऐड करना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करूँगा। अगर ऑडियो ऐड करना है तो ऑडियो पे क्लिक करूँगा और ऑडियो प्लस पे क्लिक करके उस ऑडियो को यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ऑल पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैं एक काम करता हूँ इमेजेस ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, फिर से ब्राउज फाइल पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ, कुछ इमेजेस है मेरे पास,
सो गाइज मेरे पास यहाँ पे DirectX का एक पड़ा हुआ है इमेज, मैं उसको यहाँ पे ऐड कर लिया। और नीचे में आप लोग को टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया टेम्पलेट्स, यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बात करें म्यूज़िक की, तो यहाँ पे आप लोग को म्यूज़िक्स मिल जाएंगी, और ये म्यूज़िक्स वगैरह सारे फ्री हैं, तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ यहाँ से आप लोग म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। और बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप लोग को स्टॉक वीडियो मिल जाएंगी, तो यहाँ से आप लोग स्टॉक वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो में। तो मैं आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, हम लोग वीडियो एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं काम करता हूँ इस वीडियो को अपने टाइमलाइन में लेके आता हूँ, ये है हमारा टाइमलाइन। यहाँ पे हम लोग वीडियो को अपने काटेंगे, छाटेंगे, जोड़ेंगे, चिपकाएंगे, मतलब सारा कांड यहीं पे होगा हमारे वीडियो के साथ। तो मैं काम करता हूँ इस वीडियो को अपने टाइमलाइन में लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे एक और वीडियो लगाना है इसके बाद, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ पर ऐड करके दूसरा वीडियो ला सकते हैं और उसके बाद वहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं। मैंने कॉपी कर लिया, मैं थोड़ा लेज़ी हूँ। मैं अगर चाहूँ इसके नीचे, मतलब इस फर्स्ट वाले वीडियो के नीचे इस सेकेंड वाले वीडियो को ऐड करना, तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैं सिंपली काम करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और इसके नीचे इसको ले जाके ऐसे छोड़ दूँगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं मेरा दो वीडियो एक ही लेयर में आ चुका है। उसके बाद अगर मुझे एडिट करना है, कट करना है, तो मैं वो करूँगा, वो अलग की बातें हैं। मुझे अगर इसके नीचे लाना है तो मैं ऐसे ला सकता हूँ इसके नीचे, ठीक है। सो गाइस ये है मेरा वीडियो सेक्शन, यहाँ पे मेरे सारे वीडियोज़ वगैरह रहेंगी। सो इसके ऊपर मुझे मिल जाते हैं टेक्स्ट फाइल, या फिर इसके ऊपर हम लोग इमेजेस वगैरह रख सकते हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे मुझे ऑडियो सेक्शन मिल जाता है, यहाँ हमारे सारे ऑडियोज़ रहेंगे। तो ये मेरा वीडियो है, लेकिन इसमें मेरा ऑडियो भी है गाइस। और आप लोग सोच रहे होंगे इसका ऑडियो कहाँ है, इस वीडियो एडिटर में इसका ऑडियो छिपा हुआ है। इस वीडियो का ऑडियो सेपरेट करके पहले आप लोग को दिखा देता हूँ, जिससे आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसको सेपरेट करने के लिए गाइस आप लोग वीडियो को सिलेक्ट कर ले, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग ऊपर में ऑडियो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक कर दे। और ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग वॉल्यूम लेवल भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं अभी वॉल्यूम नहीं बढ़ाना चाहता, मैं सेपरेट ऑडियो करना चाहता हूँ। तो मैं सेपरेट पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा ऑडियो सेपरेट हो रहा है। सो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा ऑडियो सेपरेट हो चुका है, वीडियो अलग हो चुका है और ऑडियो अलग हो चुका है। आप लोग को मन में ख्याल आ रहा होगा कि ऑडियो को सेपरेट करने का क्या फ़ायदा, एक साथ भी तो रहने दे सकते हैं। लेकिन नहीं गाइस, हम लोगों को कभी कभी एडिटिंग करते समय ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम लोग ऑडियो चलते रहना चाहिए और वीडियो में हम लोग अनदर वीडियो दिखाना चाहते हैं, मतलब अनदर सीन दिखाना चाहते हैं, लेकिन ऑडियो हमारा वही सेम चलेगा और हमारा अनदर सीन वहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको अलग रख लेते हैं, जिससे हम लोग को कट करने में दिक्कत ना हो। सो गाइस अब बात करते हैं ट्रिम के ऊपर, तो आप लोग को कटिंग कैसे करना है। और ये वीडियो और ये ऑडियो दोनों सेम है, दोनों का मैचिंग सेम है। अगर आप लोगों का वीडियो का मैचिंग सेम नहीं है, आप लोगों ने गलती से इधर उधर कर दिया है, तो आप लोग अपने वीडियो के साथ ऑडियो को मैच कर ले, नहीं तो होगा ये आप लोग बोलेंगे कुछ और आप लोग का वीडियो में चलेगा कुछ और, इससे आप लोग का वीडियो ख़राब हो सकता है। तो आप लोग अपने वीडियो को पहले मैच कर ले, और मैच करने के बाद आप लोग कटिंग करना है, और कर्सर को ले जाने के बाद यहाँ से आप लोग स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करने से होगा ये आपका पूरा दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों कट हो जाएंगे। अगर आप लोग कोई सिंगल वीडियो या फिर ऑडियो कट करना है, तो आप लोग क्या करें, उसको सिलेक्ट कर ले। तो जैसे मैं इस ऑडियो को कट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस ऑडियो को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख पा रहे होंगे, और मैं स्प्लिट पे क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये ऑडियो मेरा कट होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग को वीडियो को कट कैसे किया जाता है इसके बारे में सिखाऊंगा। सो गाइस अलग अलग एडिटर में अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे स्प्लिट दिया हुआ है, किसी में ट्रिम दिया होगा, किसी में कट दिया होगा, लेकिन यूज सबका सेम है। मैं यहाँ से इसको कट करना चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं क्या करूँगा, तो ये मेरा जो कर्सर है इसको यहाँ पे लेकर आऊँगा और यहाँ से मैं स्प्लिट ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा यहाँ से कट हो चुका है, मैं यहाँ तक कट करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक कट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेकर आऊँगा और यहाँ पे मैं स्प्लिट कर दूंगा, और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा कट हो चुका है। और मैं अगर चाहता हूँ इसको डिलीट करना, तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। सो गाइज मैंने अपने कीबोर्ड में बैकस्पेस दबाया और ये मेरा डिलीट हो चुका है। मैं चाहता हूँ इसके जगह मैं इमेज ऐड करना या फिर कोई दूसरा वीडियो ऐड करना, मेरे पास यहाँ पे इमेज उपलब्ध है, तो मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये मेरा इमेज आ चुका है, लेकिन ये काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो मैं यहाँ से इसको प्लस कर लेता हूँ और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, मैंने इसको खींच के बड़ा कर लिया। सो आप लोग देख पा रहे हैं गाइज यहाँ पे मेरा वीडियो था और मैंने यहाँ पे इमेज लगा दिया, लेकिन मेरा यहाँ का ऑडियो सेम है, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले इस ऑडियो को म्यूट कर लेता हूँ, मतलब इसका वॉल्यूम लेवल डिक्रीज कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं जैसे मेरा वीडियो ख़त्म होगा ये इमेज मेरा यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा, अचानक से मेरा इमेज आ जा रहा है,
या फिर अचानक से कोई अनदर वीडियो आ जाए तो अच्छा तो लगेगा नहीं, इसीलिए हम लोग वीडियो में ट्रांजिशन यूज करते हैं, मतलब इफेक्ट यूज करते हैं। फर्स्ट वीडियो से हम लोग सेकेंड वीडियो में जाए तो हम लोग को एक ट्रांजिशन दिखे, तो मैं आप लोग को दिखा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ग्राफिक्स के नीचे आप लोग को ट्रांजिशन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आप लोग काफ़ी सारे ट्रांजिशन शो हो जाएंगे। तो आप लोग कोई भी एक ट्रांजिशन चूज कर सकते हैं, जैसे मैं ये क्लोज ट्रांजिशन को चूज करना चाहूँगा तो मैं इस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐड ट्रांजिशन ऐड करना चाहता हूँ, हाँ, तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। तो अब आप लोग देखना गाइस क्या होगा, मैं इसको फिर से प्ले करता हूँ। आप लोगों ने देखा एक ट्रांजिशन के साथ आया। सो गाइस देखा आप लोगों ने ट्रांजिशन को कैसे यूज़ किया जाता है, इससे हम लोग का वीडियो का क्वालिटी भी बढ़ता है और वीडियो में इंगेजमेंट भी बढ़ता है और वीडियो काफ़ी सही लगता है इसके कारण। ऐसे और भी काफ़ी सारे ट्रांजिशन है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग वीडियो में ट्रांजिशन को भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप लोग वीडियो में टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप लोग कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करने का भी काफ़ी सिंपल तरीका है। लेफ्ट में आप लोग को टेक्स्ट मिल जाएंगी, उस पर आप लोग क्लिक करें और क्लिक करने के बाद काफ़ी सारे यहाँ पर टेक्स्ट दिए हुए हैं, आप लोग कौन सा टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वो आप लोग के ऊपर है। तो मैं ये ग्रूवी एक टेक्स्ट दिया हुआ, मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको ड्रैग करके सिर्फ ठीक वीडियो के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, मतलब छोड़ देता हूँ। सो गाइज आप लोग देख पा रहे हैं मैंने ये ग्रूवी टेक्स्ट को ऐड कर लिया ऐसे। और आप लोग कितना साइज उसका रखना चाहते हैं, मतलब कितने टाइम तक ये चलेगा, आप लोग इसको ड्रैग करके अपना टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी छोटा ही रखूँगा। सो अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा इसी तरह मैं अपने वीडियो में टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। तो मैं इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकता हूँ, इस पर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इस टेक्स्ट पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे भी ला सकता हूँ और कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। इस तरह से आप लोग टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं कि ऊपर में इमेजेस को भी ऐड करना, तो आप लोग यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे आप लोग इमेज, टेक्स्ट और कुछ भी ऊपर में ऐड कर सकते हैं, अपना लोगो भी लगा सकते हैं। सो गाइस फाइनली जब आप लोग का सारा वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट हो जाता है तो आप लोग को फाइनल स्टेप करना रहता है एक्सपोर्ट, या फिर आप लोग को रेंडर करना रहता है। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को राइट साइड में ऊपर एक्सपोर्ट ऑप्शन मिल जाता है, उस पर आप लोग क्लिक करें और क्लिक करने के बाद किस क्वालिटी में आप लोग वीडियो को रेंडर करना चाहते हैं। सो गाइस आप लोग 1080p रेजोल्यूशन को चूज कर ले जिससे आप लोग का क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो 1080p मैंने क्लिक कर लिया और ये गाइस मेरा टाइम लेगा थोड़ा। सो गाइस वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोग का ये वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। सो आप लोग अपने कंप्यूटर के डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं और या फिर आप लोग का जिस भी पाथ पे डाउनलोड होता है आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं। सो गाइज ये सारे थे कुछ बेसिक वीडियो एडिटिंग टिप्स। सो गाइज और भी आप लोग अपने स्किल्स के अनुसार वीडियो में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और भी अपने वीडियो को कूल बना सकते हैं। सो गाइज ये सब कुछ आपके इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप लोग किस लेवल तक सब कुछ इमेजिन कर सकते हैं। आप लोग का जितना इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग हो आप लोग उतने अच्छे वीडियो को मॉडिफाई कर पाएंगे या फिर एडिट कर पाएंगे। सो गाइस ये था मेरा बेसिक सा वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो नीचे में कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी इसी तरह कमाल के वीडियो के साथ। फिलहाल वीडियो के लिए बस इतना ही। बी सेफ एंड जय हिंद।